रित सायाणी बैठी रे तू आम डालू का छेल मा जग जागू फोटो खींचेन तू इन छोरों का गेल मा रित सायाणी बैठ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है गीत गंगा स्टूडियो से, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं पहाड़ी अजय स्वागत करता हूं देव हूं उत्तराखंड के इन खूबसूरत इस स्टूडियो से। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ पंथ दीदा, जो लोक गायक हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जब उखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में जब मधमेश्वर भगवान की डोली आई थी, तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत अच्छे वहाँ पे गाने गाए, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया उस गाने को। तो आज मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ पंथ दीदा, जो लोक गायक हैं और गीत गंगा स्टूडियो से ये हैं। तो सबसे पहले प्रणाम भाई जी, ठीक ठाक? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, और अजय भाई को भी मेरा नमस्कार, और आप सभी लोगों को भी नमस्कार जो सब लोग देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। और मैं आपका भाई बेटा दोस्त विजय पंथ दीदा गीत गंगा स्टूडियो से हूं, और आज भाई सब आए हैं तो अच्छा लगा मुझे कि जब अपने लोगों का प्यार स्नेह और सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है, और ये हमारे लिए एक एनर्जी का भी काम करता है, और इसी के लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं कि हम कुछ बेहतर करेंगे आप सब लोगों के भरपूर प्यार के साथ, सपोर्ट के साथ। तो पंथ दीदा जी, मैं आपसे एक दो गाने जो आपके हिट हुए हैं तो उनको सुनना चाहूँगा, और हमारे जो दर्शक लोग हैं वो भी सुनना चाहेंगे। जरूर, एक गाना है मेरा रीता सयानी मिलियन में है, और बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों ने इसको दिया है, तो इस गाने को मैं आप लोगों के बीच में सुनाना चाहूंगा। झिंता 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 पंत 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 दीदा, झिंता 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 पंत 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 दीदा, रित सायाणी बैठी रे तू आम डालू का छेल मा जग जागू फोटो खींचेन तू इन छोरों का गेल मा रित सायाणी बैठी रे तू आम डालू का छेल मा जग जागू फोटो खींचेन तू इन छोरों का गेल मा जग जागू फोटो खींचेन तुन छोरू का गैल मा रित मैं तेरू हीर छो तू ही की पराणी रित मेरा तू मन बसाई तेरा मन की तू जानी रित मैं तेरू हीर छो तू ही की पराणी रित मेरा तू मन बसाई तेरा मन की तू जानी रित सायाणी बैठी रे तू आम डायू का छेलो मा जग जागू फोटो खींचेन तुन छोरों का गैल मा। बहुत सुंदर, और आपकी जो आवाज है तो वो तो बहुत बुलंद है, और पहाड़ों में सभी लोग आप इस जो ये आवाज है सभी लोग अच्छा पसंद करते हैं, और जो गीत गंगा स्टूडियो है इसको भी सपोर्ट कीजिए, चैनल है ना, हाँ। तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कहना चाहूँगा पंथ दीदा जी, आप मेरे चैनल के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा चैनल का नाम जैसे कि आप लोगों को पता है पहाड़ी अजय है, तो कुछ संदेश देना चाहोगे आप? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप गीत गंगा स्टूडियो में आए, गीत गंगा स्टूडियो एक टीम है, परिवार है, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का एक मुहिम है, और आप सब लोगों की उम्मीद है, तो आप आए हैं तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके बीच में और भी अच्छे अच्छे वीडियो और भी अच्छी अच्छी चीजें पहाड़ की संस्कृति से, पहाड़ के गीत संगीत से, पहाड़ की रीति रिवाज से, और पहाड़ के परिवेश से मिलती जुलती चीजें आप तक पहुंच पाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब लोगों को पुनः प्रणाम। एक बार एक क्वेश्चन और चाहूंगा कि कहां से आप लोगों ने ये शुरुआत की थी इस संगीत की दुनिया में आने की? दरअसल अजय जी, मेरी शुरुआत है, मेरा मूल है रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक अठोला गांव, और जैसे किसी भी बड़े कलाकार की अगर मैं बात करूं तो उसका शुरुआती मंच रामलीला का मंच होता है, तो हमने भी अपने जीवन में रामलीला में खूब गाया है, तो रामलीला के मंच से मेरे संगीत की शुरुआत है। धीरे धीरे अच्छे लोग, आप जैसे सपोर्ट करने वाले लोग, आप जैसे समझदार लोग और संगीत को प्यार करने वाले लोग मिले, तो उनके बल से हमने निरंतर प्रयास किया, और आज गीत गंगा स्टूडियो हमने उत्तराखंड के सभी कलाकारों के लिए तैयार किया है। और यदि आप भी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, हिंदी, पंजाबी, किसी भी रॉक का गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप गीत गंगा स्टूडियो में आ सकते हैं,
अजय भाई से आप संपर्क कर सकते हैं और इनके माध्यम से आप आ सकते हैं, तो आपका हमेशा मोस्ट वेलकम और स्वागत रहेगा। तो यही मेरी शुरुआत है और यही आप सब लोगों का प्यार प्रेम का। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और इस स्टूडियो को देख के तो मन ही बिल्कुल खुश हो गया। जब मैं शुरू में नीचे से आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जब अंदर आया तो ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से बहुत सुंदर है, आपने इतना अच्छा बना रखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने आप लोगों को पंत दीदा जी से मिलाया है और उनके गाने भी आप लोगों ने सुने हैं, तो उनके मैं स्टाफ से भी मिलाना चाहूँगा आप लोगों को। तो यहाँ पे बड़े भाई सुशांत भाई जी हैं, ये भी रुद्रप्रयाग से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बहुत मुलाकात कर देते हैं, तो मेरे बड़े ही भाई होंगे। तो नमस्कार भाई जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे गीत गंगा प्रोडक्शन में आपका क्या रोल है? गीत गंगा प्रोडक्शन में मैं डायरेक्शन, डीओपी, एडिट सब चीज़ें देखता हूँ। ठीक ठीक। तो मैं जब गीत गंगा प्रोडक्शन इस चैनल को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे उसमें एडिटिंग रहती है, और सारा कैमरा वगैरह आप ही संभालते हैं? जी बिल्कुल, सब कैमरा सब चीज़ हमें करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा, जो ये आपकी ये दाढ़ी है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कि ये जैसे बाबा जी लग रहे हैं आप, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। दाढ़ी ये मेरा खुद का शौक है, अपनी शौक की वजह से मैंने रखी है, किसी से इंस्पायर होके नहीं रखी है। ना, जम भी रहे हैं आप, बहुत बड़े लग रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने जब मैं शुरू में यहाँ पे आया ना, ये स्टूडियो में आया, तो सभी लोग बाबा जी के कह रहे थे, तो मैंने कहा कौन है अंदर, कोई बाबा है? तो जब अंदर गया तो तब मुझे सच में लगा कि यहाँ पे कोई बाबा जी हैं। तो अब जब इनको मामूली मिला तो ऐसा लगा कि ये बाबा नहीं है, ये यहाँ पे काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलके, और धन्यवाद। तो अब मैं मिलवाना चाहूँगा आप लोगों को जो पंत दीदा के जो छोटे भाई हैं, तो ज्योति प्रकाश भाई जी, ये भी मेरे वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पे, तो इनसे भी थोड़ा बहुत रूबरू हो जाते हैं। तो ये हैं ज्योति प्रकाश, जो पंत जी के छोटे भाई हैं। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, और अजय भाई के ब्लॉग को मैं निरंतर देखता रहता हूं। पहाड़ी अजय के नाम से आपका यूट्यूब पे चैनल है, और बहुत अच्छे से आप ब्लॉगिंग करते हैं, मैं देखता रहता हूं। और आज अजय भाई हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, गीत गंगा परिवार में पहुंचे हैं, और आज पूरी टीम से जैसे आप सभी लोगों को रूबरू कराया है, हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी वैसे तो केदारनाथ के रहने वाले हैं, और बिल्कुल जटा भी भगवान शंकर के जैसे रखी हुई है, तो इसलिए। और बाकी पूरे वीडियो का जितना भी काम होता है, अपना ड्रोन हो, कैमरा हो, गिम्बल हो, एडिट हो, सारा बाबा जी देखते हैं। साथ में हमारे जोशी जी हैं, पूरी टीम का मैनेजमेंट देखते हैं, और पूरी गीत गंगा टीम को हैंडल करते हैं। और बाकी यहाँ पे ऑडियो वीडियो किसी भी प्रकार के, अगर आप गाने रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर संपर्क कर सकते हैं अजय भाई से, और हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। तो जरूर आप लोग चैनल को, अजय भाई के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इनको अपना प्यार प्रेम आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति प्रकाश भाई जी। और अब आगे बात करते हैं बड़े भाई, तो ये है प्रदीप जोशी जी, ये भी रुद्रप्रयाग से बिलोंग करते हैं, तो ये भी इस टीम में हिस्सा लेते हैं। तो आपका क्या रोल है इस
गीत गंगा स्टूडियो। सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करता हूँ जो भी आभार हमारा सभी लोग देखने वाला गीत गंगा परिवार स्टूडियो की तरफ से आपसे बात करना चाहा। और सबसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूँ अजय भाई जी का चैनल से पहली बार मुलाकात हुई, तो अधिक से अधिकतर लोगों से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करा। वैसा सबसे निवेदन ये है कि गीत गंगा परिवार, सबसे पहले गीत गंगा परिवार को हर लोग जान दोला कि हमारे मैनेजमेंट कि हर चीज हम लोग भी देखने पड़े, चाहे ये परिवार की तौर से हो, कोई काम से कोई हमारे गेस्ट लोग है या हम शूटिंग बजान की ते तौर से हम हर चीज देखने पड़े कि हर चीज की मैनेजमेंट हम भी देखने पड़े। और सभी लोग से निवेदन है कि आप सादर प्रणाम गीत गंगा परिवार में ऐसे दिन, चाहे युवा कलाकार हुए चाहे हमारे छोटा भाई बहन बोला, तो वो ऐसे दिन गीत गंगा परिवार में और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सारे लोगों से मैंने आप लोगों को मुलाकात करा दी है, अब थोड़ा बहुत मैं यहाँ का जो स्टूडियो है किस प्रकार से वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वीडियो में।